यूं तो बॉलीवुड स्टार्स किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनका नाम बच्चे बच्चे को याद रहता है, लेकिन देश में वोट डालना या बाकी सरकारी काम के लिए पहचान पत्र होना जरूरी होता है। ऐसे में बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार्स की जिनका वोटिंग लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। इनमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का भी नाम शामिल है। इसके अलावा और कौन कौन से बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में शामिल है, जानिए आज की इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मैं हूं आकाश, चलिए शुरू करते हैं आज की ये लिस्ट। लिस्ट में सबसे पहले आती हैं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क में हुआ था। जन्म के लगभग एक साल बाद ही वे अपनी फैमिली के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उसके पास डेनमार्क की नागरिकता और पासपोर्ट अभी भी है। ऐसे में वो यहाँ वोट नहीं डाल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से की थी। लिस्ट में अगली आती हैं कैटरीना कैफ। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में हुआ था। उनके पिता कश्मीर के एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ एक वकील हैं। 14 साल की उम्र में कैटरीना एक हवाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता भी रह चुकी हैं। उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है, जिसके चलते उनके पास भारत का मताधिकार नहीं है। लिस्ट में अगली आती हैं जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 में मनामा में हुआ था। जैकलिन साल 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका भी रह चुकी हैं। 2009 में उन्हें पहली बार बॉलीवुड फिल्म अलादीन में देखा गया था। उनके पास श्रीलंका की नागरिकता है। आपको बता दें कि उनके पिता एलरॉय फर्नांडिस एक श्रीलंकन तमिलियन हैं और उनकी माँ किम मलेशियन से बिलोंग करती हैं। लिस्ट में अगली आती हैं नरगिस फकरी। दोस्तों, अभिनेत्री नरगिस फकरी का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है। नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से की है। उनके पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है, उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट और उनकी उसी की नागरिकता है। ऐसे में उन्हें भारत में वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। लिस्ट में अगली हैं सनी लियोनी। सनी लियोनी के पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है। उनका जन्म कनाडा के एक सिटी में हुआ है और उनका परिवार एक सिख परिवार है। उनका असली नाम करणजीत कौर वोहरा है। आज वे बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, लेकिन वे यहाँ वोट बिल्कुल नहीं डाल सकती। दोस्तों, लिस्ट में अगली आती हैं आलिया भट्ट। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुन के हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होने वाली है कि आलिया भट्ट के पास भी भारत की नागरिकता नहीं है। दरअसल उनकी माँ सोनी राजधान ब्राह्मीन से बिलोंग करती है और उनके पास भी ब्रिटिश नागरिकता ही है। यही कारण है कि आलिया के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट और नागरिकता है और वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकती हैं। लिस्ट में अगले आते हैं अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनके पास कनाडा की नागरिकता है और उनका पासपोर्ट भी वहीं से है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता सम्मान के तौर पर मिली गई थी। उन्हें कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ विंडरसन से ऑनरेरी डॉक्टरेट लॉ की डिग्री मिली हुई है। इसके बाद उन्हें कनाडा की ऑनरेरी सिटीजनशिप भी दी गई है। ऐसे में अक्षय कुमार का नाम भारत की वोटिंग लिस्ट से गायब हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।